मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने बुधवार को सेवायोजन कार्यालय में ऑनलाइन रोजगार मेले के तहत रोजगार पाए युवक और युवतियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। इस मौके पर अपने संबोधन में मंडलायुक्त ने कहा कि आप सभी लोग जीवन में एक नई पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं, लेकिन आप लोग इसी पर संतोष ना करें बल्कि इसको एक औषध की तरह लें और मेहनत करके आगे बढ़ें। मंडलायुक्त ने कहा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, आगे बढ़ने के लिए ज्ञान सीखने की तीव्र इच्छा होनी चाहिए, इसके बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता। ऑनलाइन रोजगार मेले में कुल 130 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है, जिसमें से 24 अभ्यर्थियों को मंडलायुक्त द्वारा ऑफर लेटर दिया गया है। इस रोजगार मेले में 8 युवक और युवतियों को भारतीय जीवन बीमा निगम, 9 को पुखराज हेल्थ केयर, 4 को जीवन ज्योति सेवा संस्थान प्राकृतिक चिकित्सा तथा 3 युवक और युवतियों को वन वार्ड सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड में रोजगार मिला। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कंपनियों के प्रतिनिधि व क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय के सहायक निदेशक अवनेन्द्र प्रताप वर्मा और मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने कहा, थर्मामीटर सर आया था वो कोई प्रॉब्लम आ गई है सर, ये ऑक्सीमीटर भी रखे दोनों नहीं है आपके पास, दोनों क्यों नहीं दे रहे हैं इधर जितने तो मिल पाए होंगे आपके सामने। आपसे कहना चाहूँगा, आप ज़्यादातर बहुत यंग हैं, एक
एक संस्कृत की सूक्ति है, संतोषम परम सुखम, कॉन्टेंटमेंट इज लाइफ जिसे बोलते हैं, और मैं हरदम ये कहता हूँ उसका पालन नहीं करना है, एटलीस्ट आप लोगों को नहीं करना। यदि आप आज जहाँ पर सिलेक्ट हुए हैं और उससे संतुष्ट हो गए तो आप ये समझ लीजिए कि इससे ऊपर आपकी उड़ान नहीं चाहिए। सो पहले चीज मैं ये कहूँगा कि डिससेटिस्फाइड रहिए। मैं लोग जब भी आपसे कहते हैं कि संतोष कर लीजिए, सेटिस्फाइड करिए, मैं बिल्कुल उल्टा बोल रहा हूँ। पहला बिंदु ही ये है कि जो आज आपको मिला इससे सेटिस्फाइड मत होइए। परमात्मा को धन्यवाद कीजिए कि आपको एक मौका दिया उसने, लेकिन उसने ये मौका आपको और ऊपर जाने के लिए दिया। यदि आज आप यदि किसी विद्यार्थी के 60% मार्क आते हैं 10th में और वो सेटिस्फाइड हो गया कि मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आ गए, तो आप मान के चलिए कि 12th में उसका 55% ही आएगा, 65 नहीं आएगा। जब तक आपको उड़ान भरने की क्षमता है, वो क्षमता आपकी 30-35 साल तक की है, तब तक आप अपने प्रोफेशनल परस्यूट से संतोष प्राप्त मत करिए, वोंट बी सेटिस्फाइड। मान के चलिए बहुत भूख और चाहत होनी चाहिए कि नहीं मुझे और ऊपर जाना है, और ऊपर जाना है, और ऊपर जाना है। एक दूसरा, ज्ञान का कोई शॉर्टकट नहीं है, ये किताबी बात नहीं है, मैं अपने अनुभव से आपको कह रहा हूँ। जो लोग सोचते हैं कि ज्ञान का शॉर्टकट है, वो कभी ऊंची उड़ान नहीं भर सकते। जितने लोग ऊपर पहुंचे हैं, आप कभी भी ऑब्जेक्टिवली ऑनेस्टली ऑब्जर्व करिए, वो सब वो लोग हैं जिन्होंने ज्ञान को जोड़ दिया है और जिन्हें वाकई में ज्ञान है। यदि आप में ज्ञान पिपासा नहीं है, सीखने की क्षमता नहीं है, सीखने का मन नहीं है, और ये सीखना जो है ये जीवन पर्यंत तक होना चाहिए। मुझे IAS सर्विस में करीब 17 साल हो गए, 18वां साल है मेरा, और मैं आज भी अपने स्टाफ से सीखता हूँ, मेरे CA साहब यहाँ पर होंगे उनसे सीखता हूँ, मैं अपने PA से सीखता हूँ, मैं अपने कंपनियों से सीखता हूँ, मैं अपने अधिकारियों से सीखता हूँ, अपने नीचे के अधिकारियों से सीखता हूँ, मैं सबसे सीखता हूँ। सीखने की कला कभी मत छोड़िए, कभी मत छोड़िए, क्योंकि ये जो धीरे धीरे आप संचय कर लेंगे ज्ञान का, ये एक समय जाके इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आपको लगेगा कि आप कितने ऊपर आ गए, और ये एक चीज़ है, उसको कभी मत भूलिए। तीसरा, कोरोना से मैंने बात सुनी थी और मैं उसको फिर आऊँगा। कोरोना ने जो प्राइवेट सेक्टर है उसको मैं बहुत आगोलचूल परिवर्तन लाया, कब तक रहेगा कोरोना, कैसे होगा ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन मुझे लगता है अगले 1 वर्ष को हमारे हमें ये इसको फेस करना है, और चीज़ें ऑनलाइन ज़्यादा जाएंगी, इसलिए ये बहुत आपके हित में होगा कि डिजिटल टेक्नोलॉजी को, ऑनलाइन को सीखें। मैं समझता हूँ आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे, कई लोग ऐसे होंगे जो उतने समृद्ध परिवार से नहीं है, और उसमें मुझे लगता है कि आपके विभाग का बहुत ज़्यादा रोल है, जिसमें आपको एक पटल एक प्लेटफॉर्म देना चाहिए जहाँ पर ये लोग डिजिटल चीज़ों को सीख पाए। यदि आप डिजिटल चीज़ों को नहीं जानते हैं, ऑनलाइन होना नहीं जानते, तो कहीं ना कहीं देश में आप बहुत पीछे होंगे, और आप ऑनलाइन का जोर होगा, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोग ऑनलाइन सीखें, जिससे कि जैसे स्पेशली बच्चियाँ भी इसमें हैं, और यदि आप उसको ऑनलाइन को सीख लेंगे, कल को आपका शादी होती है, कहीं आप दूर चले जाते हैं, फिर भी आप ऑनलाइन से अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। इसलिए ऑनलाइन पर फोकस रखें, उस पर ध्यान दें। हमें इनको किसी न किसी प्रकार का ITI और इनसे मिलकर कुछ ऐसा प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है, या कम से कम प्राइवेट सेक्टर को हम इनके साथ ला सकते हैं, जिसमें प्राइवेट सेक्टर फॉर एग्जाम्पल इंश्योरेंस सेक्टर, अब इंश्योरेंस LIC से आप लोग हैं, आप लोग शायद इस बात मानेंगे, इंश्योरेंस पिछले 2 से 3 साल में एक बहुत बिग वे में आया है, और इसमें सिर्फ LIC का कंपटीशन पहली बार मुझे लगता है, आपको 1956 या बहुत पुराना इंस्टीट्यूशन है आपका, और LIC ने पहली बार जो है प्राइवेट सेक्टर के इंश्योरेंस से बहुत टफ कंपटीशन फेस किया, चाहे HDFC लाइफ हो, ICICI प्रूडेंशियल हो, जितने आपके प्राइवेट सेक्टर हैं, मैक्स लाइफ हो, महिंद्रा फाइनेंस हो, इनका पहली बार कॉम्पिटिशन प्राइवेट सेक्टर से बहुत तगड़ा होने जा रहा है, और ये बढ़ता जा रहा है। तो यदि LIC ये सोचता है कि उनके पास एक बहुत बड़ा मंच और बहुत बड़ा पब्लिक तक पहुँच है, सो LIC गलतफहमी, और LIC गवर्नमेंट का कंपनी है अभी भी, फिर भी मैं कह रहा हूँ ये एरा जो है बदल चुका है, ये 21वीं शताब्दी है, 21वीं शताब्दी में वो ऊपर जाएगा जो समय से अपने को मिला के चलता है, जिसको ज्ञान है, जिसको उस सेक्टर की वाकई में समझ है, अदरवाइज टाइम नहीं लगता है। आप एक समय था आज से 20 साल पहले, लोग टेलीफोन कनेक्शन DSL से लेते थे, इस
रूम में करीब 35-40 लोग हैं, मुझे नहीं लगता 5 से ज़्यादा भी BSNL के कनेक्शन होंगे। सो मैं इसलिए कहना चाहूँगा आप सभी से कि समय बहुत तेजी से बदल रहा है, ग्लोबलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन की जो ताकतें हैं बहुत स्ट्रांग हैं और इसमें नॉलेज का कोई सब्सिट्यूट नहीं है। और इस नॉलेज को समझने में इन बच्चों की, स्पेशली उन बच्चों की जो गरीब तबके से आते हैं, मुझे लगता है सेवा आयोजन विभाग को और पहल करने की आवश्यकता है। मुझे आप लोगों से संवाद करने का एक माध्यम मिला, इसके लिए मैं सहायक निदेशक साहब को धन्यवाद देता हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि ये मंच जो आपको प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और LIC ने दिया है, यहाँ तक आप सीमित नहीं रह जाएंगे, आपको पुराना ऊपर जाएगा, आप और सफल होंगे, गोरखपुर जनपद गोरखपुर मंडल का आप नाम रोशन करेंगे। धन्यवाद, यही आता है। मेरा नाम प्रियंका जायसवाल है और मैं LIC को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। LIC में मैं एज अ फाइनेंशियल एडवाइज़र के रूप में पिछले 2.5 सालों से काम कर रही हूँ और अभी तक मैंने जो 1200 पॉलिसी कर चुकी हूँ और जो मेरी अर्निंग है अभी प्रेजेंट टाइम में वो आराम से 12 से 13 लाख सालाना आती है और इस साल का जो टारगेट लिया है मैंने वो 70 लाख का लिया है। TOT इसमें प्रमोशन लेवल भी है, जैसे आप MDRT कर सकते हो उसमें अर्निंग आपकी 10 लाख होती है, COT कर सकते हो उसमें 35 लाख और TOT जो कि 70 लाख है। और यहाँ से हम लोग बहुत लोगों को सेलेक्ट किए हैं और मैं आशा करती हूँ कि जो आने वाले जो अपने टीम मेंबर हैं वो भी लर्निंग के साथ अर्निंग करते रहें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। मैडम जो सिलेक्शन बच्चों के किए हैं आपने यहाँ कंपनी में जी, तो क्या सैलरी बेस पे है कि कमीशन बेस? कमीशन बेस पे है। तो कोई टारगेट उनको दिया जाएगा? टारगेट है लेकिन उनके ऊपर है, जो मिनिमम टारगेट होता है LIC का वो साल में 12 करना रहता है और उसके मतलब उनके ऊपर है, वो जितना टारगेट अचीव करेंगे उतने ज़्यादा उनकी अर्निंग होगी। 12 पॉलिसी अगर नहीं करते हैं तो सैलरी नहीं मिलेगी? 12 पॉलिसी अगर मान लिए कर रहे हैं आप नहीं पूरा किए तो सैलरी नहीं मिलेगी? नहीं, मतलब टारगेट बेस्ड है। कमीशन पे है, सैलरी पे है, ये हम पूछ रहे हैं ना? कमीशन बेस्ड है और स्टाइफंड भी आता है, वो RCA होता है, रूरल करियर एजेंट, उस पे रहेगा सैलरी? हाँ, उन पे सैलरी फिक्स रहती है 5000। क्या नाम आपका? हाँ, मुन्नीलाल शर्मा, गोरखपुर। किस चीज़ पुखरा जल्दियर में? क्या काम करना है? असिस्टेंट मैनेजर की ज़रूरत है उसमें। इस समय प्रेजेंट टाइम में हम 10 से 12 जब पा रहे हैं। अभी वर्क कर रहे हैं और एक महीने के बाद हम असिस्टेंट मैनेजर के लिए तैयार हो जाएंगे और अपनी आप ही छपरा लेके जाएंगे, रन करेंगे वहाँ पे। छपरा बिहार में? हाँ, बिहार में। मैं डॉक्टर दीपक विश्वकर्मा जीवन ज्योति सेवा संस्थान से हूँ, डायरेक्टर हूँ। इसमें हमने हेल्थ एडवाइज़र के पोस्ट पे बच्चों को हायर किया मैंने, जिसमें बच्चों को क्या है कि वो फील्ड में जा करके लोगों को स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देनी रहती है, प्लस हम दवा बिना दवा के कैसे हम अपने आप को इम्यूनिटी बना रखें, मतलब कि जो अंग्रेजी दवाएं होती हैं, इस समय मार्केट में बहुत सारे कंपनियां जो न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट लेकर आई हुई हैं, तो हमारा मेन बेस है न्यूट्रिशन और हेल्थ, जिसको हेल्थ किट आता है हम लोग में, नेचुरोपैथ एक्यूप्रेशर प्रोडक्ट होता है जिससे हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं नसों के द्वारा, जिसमें कोई मेडिसिन काम नहीं करता है, न्यूट्रिशन और प्लस ये एक्यूप्रेशर किट, इसके माध्यम से हम लोगों के स्वास्थ्य की भली बात, मतलब कि उससे लोगों का स्वास्थ्य बेहतर होता है। बहुत लोगों को सर में दर्द होता है, आँख से पानी आता है, पेट में दर्द होता है, जिसके लिए हम लोग मेडिसिन लेते हैं, उसको लेने से, उस हेल्थ किट को प्रमोशन करने से जो कोई लेता है उससे क्या ये सारी बीमारियाँ दूर होती हैं धीरे धीरे, जिसमें हमको मेडिसिन नहीं लेनी पड़ती है। चूँकि बहुत सारे ऐसे मार्केट
मार्केट में मेडिसिन है जिसको लेने से डाइजेशन सिस्टम गड़बड़ होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, हाइपरटेंशन, शुगर, तो वो उससे बचाता है। तो इस क्षेत्र में हमारे जो भी बच्चे हैं काम कर रहे हैं और जिसकी जानकारी भी बहुत लोगों को हो रही है और अच्छा खासा इसमें लोगों को रोज़गार भी मिल रहा है और हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। उसमें सैलरी देते हैं कि जी जी, इसमें हम फिक्स सैलरी देते हैं, 10,000 रुपये फिक्स सैलरी देते हैं उनको। बस ये है कि डेली उनको 6 और 6 घंटा तक फील्ड में रहना है, लोगों से मिलना है। सिर्फ उनको लोगों से मिलने का टारगेट है, कम से कम एक दिन में उनको 40 लोगों से मिलना है, 40 फैमिली 40 लोगों को समझाना है क्या है, बस ये है, बाकी कोई टारगेट नहीं है। 10,000 उनको फिक्स सैलरी है। उनको ट्रेनिंग भी आप देते हैं? जी बिल्कुल, उनकी टोटल 15 दिन की ट्रेनिंग होती है। इसमें उनको पूरा फर्स्ट एड के बारे में बताया जाता है, कैसे लोगों को एग्जामिन करें, एग्जामिन के अंदर क्या प्रॉब्लम है, कैसे है, ठीक है, फिर उनको हम लोग किट जो है एडवाइज करते हैं। एक दिन में 40 लोगों से मिलना मुश्किल भी काम है, इस तरह का नहीं मिल पाते हैं तो फिर सैलरी में क्या होता है? नहीं, जैसे ऐसा नहीं, मान लीजिए किसी एक दिन नहीं मिल पाया, ठीक है, लेकिन और भी दिन मिल जाते हैं जिसमें ये इतना कम, जो हमारा प्रोडक्ट है इतना चीप एंड बेस्ट है तो आसानी से उसका टारगेट पूरा हो जाता है, जिसमें 10,000 रुपये सैलरी उनको मिनिमम मिल ही जाता है। बाकी तो बच्चे 15,000-20,000 तक कमाते हैं, उसमें मिनिमम 10,000 तो हर बच्चा कमा ही लेता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चूँकि ये प्रोडक्ट यूनिक है, मार्केट में यूनिक है, किसी भी कंपनी में नहीं है, चूँकि ये हेल्थ के लिए बहुत बेहतर प्रोडक्ट है, जो कि अभी जी हाँ, ये हमारा हेल्थ किट नाम ही है। इसमें एक्यूप्रेशर प्रोडक्ट होता है, प्लस उसमें न्यूट्रीचार्ज नाम का एक प्रोडक्ट है जो न्यूट्रिशन है, जो कई बीमारियों से बचाता है, ठीक है। वो भी बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट, बहुत सस्ता प्रोडक्ट जो मार्केट में यूनिक है और कंपनियों से सस्ता है। ये हमारे विभाग द्वारा ऑनलाइन रोजगार मेले का आयोजन किया गया था, जिसमें 5 कंपनियों ने प्रतिभाग किया था और बच्चों के जो आवेदन आए थे, ऑनलाइन आए थे, उनका डेटा हमने संबंधित कंपनी को भेज दिया था। उनके द्वारा उनके फ़ोन नंबर पर इंटरव्यू लिया गया और उनको फ़ोन पर ही बताया गया कि आपका चयन हो गया है। और इस तरह से कुल 130 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, जिसमें से आज जो है आदरणीय मंडलायुक्त महोदय द्वारा 24 बच्चों का ऑफर लेटर प्रतीकात्मक रूप से वो उनको दिया गया कि अब ये बच्चे जो है जा करके अपने क्षेत्र में काम करेंगे। पांच में पुखराज हेल्थ केयर है, जो कि यहीं पर काम कर रही हैं, गोरखपुर जनपद में ही पोस्टिंग दे रही हैं और उनका सेल्स मैनेजर के पद पर काम कर रही हैं। वनवार्ड सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड गोरखपुर की हैं, ये भी एजुकेशन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, गोरखपुर में ही करेंगे। भारतीय जीवन ज्योति सेवा संस्थान, इनका भी गोरखपुर में ही है, ये भी अपना यहीं पर कर रहे हैं। और एक नई चीज़ इस बार हुई है, भारतीय जीवन बीमा निगम में काफ़ी बच्चे सिलेक्ट हुए हैं और काफ़ी इंटरेस्ट लेके वो काम कर रहे हैं अभिकर्ता पद पर, जो है उनके भी 5 बच्चों को दिया गया है लेटर। इस तरह से कुल 24 बच्चों को आज पत्र दिया गया, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। मान लीजिए कुछ बच्चे इस तरह है कि जो ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाते हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था है? जो बच्चे ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग आप लोगों के चैनल के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से ये प्रचारित कराते हैं कि रोजगार मेले का आयोजन इस कार्यालय द्वारा किया जा रहा है, जिसकी अंतिम तिथि जो भी रहती है ये मेंशन हो जाता है। यदि कोई बच्चा ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाता है तो वो हमारे यहाँ या तो अगर वो आया हुआ है तो पूछ सकता है, नहीं तो हम एक मोबाइल नंबर जारी करते हैं, उस पर भी वो पूछ करके कि सर मुझे रोजगार मेले में जाना है, या तो कार्यालय आ जाएगा ऑनलाइन करा देंगे, या वो सीधे अपना फॉर्म दे दे हमको, हम उस कंपनी को भेज देंगे, उसके नंबर पर साक्षात्कार ले लिया जाएगा उसका। ऑफिस में फॉर्म उपलब्ध है बच्चों के लिए? कमरा नंबर 5 में ये हैं, श्री विजय कुमार शर्मा जी हैं, ये देखते हैं, ये हमेशा वहाँ उपलब्ध रहते हैं। रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सेवा आयोजन हमेशा तैयार है। सेवा आयोजन विभाग का ये प्रयास है कि इस जनपद के अधिक से अधिक युवाओं को सेवायोजित कराया जाए तमाम तरह की कंपनियों में। और युवाओं से भी मेरा ये विशेष आग्रह है कि वो कहीं ना कहीं अपने भविष्य को लेकर सजग रहें, सतर्क रहें और घर न बैठे रहें, कंपनी ज्वाइन कर लें और जैसे जैसे वो बढ़ेंगे उनकी दृढ़ इच्छा निश्चित उन्हें सफलता की ओर अग्रसर करेगी। सेवा योजन विभाग ने रोजगार मेला के थ्रू जो यहाँ के लोकल प्राइवेट प्रतिष्ठान हैं और LIC है जो पब्लिक कंपनी है, उसमें यहाँ के जो हमारे युवक युवतियाँ हैं वो उनमें से 24
लोगों को आज रोज़गार मिला है, बड़ा सुख समय है उनके लिए और मैं आशा करता हूँ कि वो इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते और ऊपर जाएंगे और अपना अच्छा जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे और इसीलिए आज मैं इनके मध्य उपस्थित हुआ हूँ और मैं उनके जीवन में मंगल जीवन की कामना करता हूँ।